यह बड़बोले नेता जी की, जी हाँ, चुनावी साल में नेताओं की भाषा की मर्यादा लगातार बिगड़ती जा रही है, टूटती जा रही है। कोटा में किसानों की पीड़ा को लेकर बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत का गुस्सा फूट पड़ा और राजफेड के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान भवानी सिंह राजावत ने अधिकारियों से अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा भवानी सिंह राजावत ने। मैं इंतजार कराऊ या बैठा बैठा मैं छाप पर दूंगा। शर्मियत तुम्हें किसानों के ऊपर घात कर रखा है, माल को नहीं तोड़ दो। 1,11,000 बोरी उड़द की आ चुकी मंडी में अब तक, और उसमें से केवल 100 बोरी आपने ली है। ये मजाक है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई आचार संहिता नहीं होती। ये आज से आधा सुधार लो, रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया। क्यों बंद किया? आपको जब याद थी कि मैं मंडी में आ रहा हूँ, क्यों नहीं आया आप 1 घंटे पर? मजाक समझ रखी है? मैं एमएलए हूँ, मेरे ऊपर आचार संहिता नामांकन दर्ज होने के बाद में लागू होती है। तो ये कोई पहला मौका नहीं था जब राजावत ने इस तरह से शब्दों की मर्यादा को लांघा। अक्सर वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और हाल फिलहाल में राहुल गांधी को लेकर के एक विवादित बयान दिया था, और कई दफा ऐसा हुआ है कि बीजेपी मुश्किल में फंसती दिखाई दी है इनकी बयानों की वजह से। तो मुश्किल एक और है।